हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अचीवस स्टेशन सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉरी टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट नॉट स्टार्ट ठीक है स्टार्ट करके आज ही कंप्लीट भी कर देंगे द रिविजन कैप्सूल ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स इसमें सारे मेजर टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर लेकिन कोई टॉपिक रह जाता है या इफ़ यू थिंक दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड इसमें कवर नहीं किया गया है प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स ओके okay, तो सबसे पहले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने से पहले यू शुड नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स ठीक देखो ये हमने बहुत बार पढ़ा है माइक्रो में पढ़ा तब भी पढ़ा होगा कि जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं ठीक है लेकिन जो हमारी वॉन्ट्स होती, है, होती हैं वो अनलिमिटेड होती है ठीक है दिस इज अ कैप्सूल कैप्सुल तो इसलिए फटाफट फटाफट चलेगा ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे जस्ट क्विक रिवीजन लेंगे ठीक तो लिमिटेड रिसोर्सेस से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कैसे करता है कोई ह्यूमन बीइंग उसका स्टडी जो है वो आपका इकोनॉमिक्स है पहला ठीक है दूसरा इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र है, अर्थ है ना इसमें अर्थ का मतलब होता है मनी शास्त्र का मतलब होता है सब्जेक्ट तो यहाँ से एक और मतलब निकल कर आया इकोनॉमिक्स का दैट इज सब्जेक्ट इन विच मैटर्स ऑफ मनी इज स्टडीज वह विषय जिसमें मुद्रा संबंधी मुद्दों का अध्ययन किया जाता है एंड थर्ड इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स तीन सब तीन मीनिंग आ गए कि स्केयर रिसोर्सेस से हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा कर रहे हैं उसकी स्टडी या फिर मनी मैटर्स की स्टडी या फिर स्टडी ऑफ इकोनॉमी ये तीनों ही इकोनॉमिक्स हैं ठीक है ओके सो मैक्रो इकोनॉमिक अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो तीन मीनिंग थे अब जो इकोनॉमिक्स है उसको दो बेस स्टडी के हिसाब से दो बेस पर बांटा हुआ है माइक्रो और मैक्रो ठीक है जब हम माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड के माइक्रोस शब्द से निकला है और मैक्रो जो है वो मैक्रोस शब्द से निकला है ठीक है दिस इज के मैक्रोस शब्द से निकला है इसका मतलब होता है स्मॉल और इसका मतलब होता है लार्ज ठीक है तो माइक्रो को अभी हम साइड में रखते हैं हम सिर्फ मैक्रो को लेते हैं ठीक है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लार्ज एरिया का स्टडी किया जाता है और लार्ज एरिया को सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं कि पूरी इकोनॉमी को ही स्टडी किया जाता है पूरी कंट्री को ही स्टडी किया जाता है मतलब एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी कंट्री की डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पूरी कंट्री में होने वाली सप्लाई एग्रीगेट कंजम्पशन कंट्री के हरे हर एक सेक्टर का कंजम्पशन एंड सो ऑन ठीक तो इसको डेफिनेशन में क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल पूरी इकोनॉमी को एक मानकर पूरी पूरे कंट्री को एक यूनिट मानकर स्टडी की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से अलग है तो इसका डिफरेंस भी अगर आ गया तो एक आप मीनिंग बना सकते हैं कि माइक्रो का मीनिंग क्या है और मैक्रो का मीनिंग क्या है ठीक उसके बाद आप स्टडी बना सकते हैं ये स्मॉल लेवल पर होता है ये लार्ज लेवल पर होता है ठीक और वर्ड जिस वर्ड से ये निकला है ये माइक्रो से निकला है ये मैक्रोस से निकला है एंड ऐसे ही तीन चार पॉइंट्स और इजीली आप बना लेंगे ठीक नेक्स्ट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखो स्कोप बेसिकली होता क्या है कि ये सब्जेक्ट कहाँ तक जा सकता है सो so, स्कोप चाहे किसी का भी आ जाए भले वो मैनेजमेंट का हो मार्केटिंग का हो इकोनॉमिक्स का हो जिसमें भी मैक्रो मैक्रो दो भी हो उसमें अगर आपको स्कोप आ जाए और आपको याद नहीं आए पॉइंट्स कौन से थे तो यू जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ योर चैप्टर्स जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने डिमांड पढ़ा होगा कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा होगा डिमांड फॉरकास्टिंग पढ़ा होगा प्रोडक्शन पढ़ा होगा ये सब चीज़ें माइक्रो ठीक है और नेशनल इनकम एग्रीगेट्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ मनी थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गवर्नमेंट बजट बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट ये सारा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है और आप नोटिस करेंगे कि यही सब चीज़ें जो हैं वो आपके इसके इंडेक्स में दिखेंगी हर बुक के ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बेसिक कंसेप्टे मैं बोलूँ कि कुछ टर्मिनोलॉजी है कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए सो फर्स्ट इज गुड्स सबसे पहले तो गुड्स क्या होते हैं कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ट्रेड किया जाता है जिसका बिजनेस किया जाता है सेल परचेज किया जाता है तो कस्टमर के बेस पर हमारे पास दो हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास दो तरह के हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स ठीक है इनको देख लेते हैं कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो कंजम्पशन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं जो कन्जम्पन के लिए खरीदे जा रहे हैं यूज करने के लिए खरीदे जा रहे हैं और कैपिटल गुड्स बेसिकली वो फिक्स्ड असिट्स हैं फिक्स्ड असिट्स जिनको बिजनेस में यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन में या किसी भी बिजनेस में यूज किया जाता है फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए तो कन्जम्पन गुड्स जो कन्जम्पन खरीदे जा रहे हैं कैपिटल गुड्स जो फिक्स असिड्स हैं जो प्रोड्यूसर्स लोग खरीदते हैं ठीक अब जो कंजम्पन गुड्स हैं वो चार तरह के होते हैं ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटीरियल ड्यूरेबल ड्यूरेबल में आपको ना ड्यूरेशन दिख रहा होगा ड्यूरेशन ठीक तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलते हैं वो ड्यूरेबल जैसे आपका टी वी रेडियो कार और जो इससे कम टाइम के लिए चलें जिनका कम ड्यूरेशन हो वो सेमी ड्यूरेबल जैसे क्लोथ्स एंड क्रॉकरी जिनको बिल्कुल भी ड्यूरेशन ना हो जल्दी से ख़राब हो जाते हों वो नॉन ड्यूरेबल लाइक वेजीज फ्रूट्स मिल्क ठीक है और नॉन मटेरियल वो जो हमें दिखता नहीं है जिस जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सर्विसेज कहते हैं तो कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूम कंजम्पशन के लिए खरीदे जा रहे हैं जिसमें ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म के लिए उससे कम टर्म के लिए सेमी ड्यूरेबल सबसे कम के लिए नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल जो हमें जिसको तो कोई टर्म ही नहीं है मतलब शुरू होते ही ख़त्म यहाँ टीचिंग तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग यहाँ ऑपरेशन तो यहाँ ट्रीटमेंट ठीक है चलो नेक्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स जैसे कि हमें पता है कि शुगर केन से शुगर बनती है ठीक है तो शुगर केन गन्ना जो है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है किसके लिए शुगर मिल्स के लिए ठीक और शुगर जो है वो हमारी फाइनल गुड्स है जो अब कंजम्पशन के लिए तैयार है तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनका अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है और बाउंड्री के अंदर हैं किसकी बाउंड्री प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर हैं और फाइनल गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं और रेडी टू यूज़ हैं रेडी टू फाइनल यूज़ में बोल सकती हूँ ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया होगा एज़ इट इज़ अ रिविजन वीडियो एंड गोइंग ट्रू इट इन अ फास्ट वे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सम गुड्स कैन बी मे इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एज वेल ये आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है कि सेम गुड एक ही चीज़ जो है वो फाइनल गुड्स भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है डिपेंड करता है कि, कि किसके लिए जो शुगर केन है फार्मर के लिए तो वो बेचने के लिए है तो वो फ़ाइनल गुड्स है लेकिन शुगर इंडस्ट्री के लिए वो एक इंटरमीडिएट गुड्स है क्योंकि वो आगे काम आएगा अब अगर हम शुगर की ही बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के लिए तो वो फाइनल गुड्स है क्योंकि उसने बेच दिया और अगर कोई बेकरी उसे खरीद रहा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है अब अगर फाइनल गुड्स की बात करें फाइनल गुड्स पर जो खर्चा होता है वो अगर कोई हाउस होल्ड कर रहा है मतलब घर की तरफ से पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है तो उसे हम कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं फाइनल गुड्स पर हाउस होल्ड के द्वारा होने वाला खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है और अगर कोई प्रोड्यूसर कर रहा है क्योंकि कोई बेकरी है कोई और है जो उसके आगे यूज़ करेगा उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है क्यों क्योंकि ये तो कंज्यूम कर लिया जाएगा लेकिन एक तरह से इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये आगे प्रॉफिट कमाने के काम आएगा ठीक तो फाइनल फाइनल गुड्स पर हाउस होल्ड का खर्चा कंजम्पन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर्स का खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स को डिफाइन किया हुआ है बेसिकली यहाँ पर जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर हैं बेसिकली रॉ मटेरियल होते हैं रीसेल के लिए यूज़ किए जाते हैं और फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है अब अगर मैं शुगर केन की अगर बात हो रही थी तो शुगर जो है उसमें शुगर केन का कॉस्ट तो ऑलरेडी ऐड होगा ना तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस जो है वो अल्टीमेटली फाइनल गुड्स में ऐड होता ही है इसलिए जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही लेते हैं ठीक है चलो देखो अगर प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो प्रोड्यूसर गुड्स में आपके रॉ मटेरियल फिक्स असिड्स और अदर टूल्स भी आते हैं ठीक तो आई कैन से कि फिक्स्ड असिट्स ही हमारी कैपिटल गुड्स हैं कैपिटल गुड्स ठीक तो प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं उसमें कैपिटल गुड्स के अलावा और भी चीजें आ रही हैं ठीक है थीक? लेकिन सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं ही ठीक तो ये लाइन भी एक्सप्लेन करने आ सकती है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स क्योंकि जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो और भी होते हैं कैपिटल गुड्स के अलावा ठीक ओके नेक्स्ट अब अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कौन कौन कंजम्पशन पर खर्चा कर सकता है कोई घर ठीक है हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट कर सकती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है ठीक अगर कोई अगर प्रोड्यूसर करेगा अगर प्रोड्यूसर खर्चा करेगा तो वो कंजम्पशन गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर होगा ठीक है तो अगर हम एग्रीगेट कंजम्पशन या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसको हम एग्रीगेट कंजम्पशन भी बोलते हैं तो उसमें आता है कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंजम्पशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट तो इसी में आ गई ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सपेंसिज बाय हाउस होल्ड प्लस एक्सपेंसिज बाय गवर्नमेंट प्लस एक्सपेंसिज बाय एन पी ओस नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ठीक इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट टर्म है इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट देखो हमारी सपोज कैपिटल लगी हुई है एक लाख की अभी रोज़ रोज़ तो चेंज होती नहीं है ठीक है माइक्रो लेवल पर लेकिन मैक्रो लेवल पर कई बारी चेंज होती है तो अब अगले साल जो है वो ये ये जो कैपिटल है हमारी वो एक लाख पचास हज़ार हो गई तो मैं ये कह सकती हूँ कि पचास हज़ार का एक्स्ट्रा कंजम्पन एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट इज़ चेंज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल अब ये इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है फिक्सड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट फिक्सड इन्वेस्टमेंट जो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर देते हैं जैसे हमारी बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी प्लांट एक्सेट्रा और इन्वेस्ट इन्वेंट्री एक्सपेंसिस जो रोज़मर्रा के रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए लिए जाते हैं दैट आर किए जाते हैं दैट आर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं और ये हमें डिमांड को फुलफिल करने या हमारे ऑपरेशंस को ऑपरेशंस को ठीक ठाक चलाने के लिए काम आते हैं तो बोथ आर इंपॉर्टेंट देखो यहाँ लिखा है दो मिनट लेगा इसको रीड कर लीजिए यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एज वेल ओके चलो आगे चलते हैं अग, एक और तरी, दो टर्म्स और हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन किस पर लगती है फिक्स्ड असिट्स पर तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्टॉक एंड फ्लो ये इजी कंसेप्ट है लेकिन कंफ्यूजिंग कंस, कंसेप्ट है देखो कोई भी चीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो हमें हमारे पास जो बैलेंस है वो हमारा स्टॉक है लेकिन इन इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन अ ड्यूरेशन ऑफ़ टाइम जो चेंज आ रहा है वो हमारा फ्लो है जैसे एक टंकी है हमारे पास उसमें पाँच बजे जो है वो इतना पानी था ठीक है इतना पानी था लेकिन हमने मोटर uh, ऑन करी और पाँच बज के पंद्रह मिनट पर इतना पानी और भर गया ठीक तो मैं बोल सकती हूँ कि पाँच बजे स्टॉक इतना था और पाँच से सवा पाँच के बीच में इतना चेंज आया इतना चेंज ठीक है तो आई होप समझ में आ गया होगा द क्वांटिटी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ स्टॉक क्वांटिटी मेजर ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ फ्लो ठीक और ये दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं क्योंकि स्टॉक नहीं होगा तो चेंज क्या होगा और चेंज नहीं होगा तो स्टॉक भी चेंज नहीं होगा ठीक चलो अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी में ना चार तर चार ही सेक्टर हो सकते हैं हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर हाउस होल्ड जो कंजम्पशन के लिए खर्चा करता है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा करता है और गवर्नमेंट दोनों चीज़ों के लिए करती है ठीक और अगर हम क्लोज इकोनॉमी की बात करें क्लोज इकोनॉमी की बात करें तो यही तीन सेक्टर होते हैं किसी भी क्लोज इकोनॉमी में क्योंकि ये विद इन द इकोनॉमी होते हैं या विद इन द कंट्री होते हैं लेकिन अगर हम एक ओपन इकनॉमी की बात करें तो उसमें ये चारों होते हैं क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर मतलब बचा हुआ जो बची हुई जो पूरी दुनिया है जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाता है वो भी इंक्लूड हो जाता है ठीक तो देयर आर फोर मेन सेक्टर्स इन एनी इकनॉमी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर हाउस होल्ड जो कंजम्पन के लिए खर्चा कर रहा है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट के लिए एंड गवर्नमेंट अपने कामों के लिए एक्सटर्नल में आ जाती है आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरा ठीक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें आपकी बाकी सारी कंट्रीज वर्ल्ड बैंक आई एम एफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बाकी की ये सब आ जाते हैं ठीक ओके नाउ एक होता है इंटरसेक्ट्रल फ्लो और एक होता है इंटरा सेक्ट्रल फ्लो इंटरा सेक्ट्रल जैसे आपको याद होगा इंटरनेशनल इंटरनेशनल आपको पता होगा कि दो नेशंस के बीच में इंटरनेशनल मैच, मैच है मतलब दो नेशन के बीच में मैच है दो कंट्रीज के बीच में मैच है तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरसेक्ट्रल फ्लो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का फ्लो है या तो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर का प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड का एंड एक्जेक्ट्रा एक्जेट्रा एग्जेक्ट्रा ठीक अब और इंटरनेशनल इंटरसेक्ट्रल क्या है विद इन अ सेक्टर विद इन अ सेक्टर ठीक है ओके okay. जैसे अगर आप अपने पड़ोस वाली आंटी से चीनी लेने जाओ और ना वो आंटी बोले बेटा लाओ पैसे दो बीस रुपये दो चीनी महंगी हो गई है ठीक तो हाउस होल्ड सेक्टर का हाउस होल्ड सेक्टर से ट्रांजैक्शन हुआ तो ये इंट्रा सेक्टरल लेकिन अगर यही आप दुकान से खरीदने जाते तो हाउस होल्ड सेक्टर का प्रोड्यूसर सेक्टर से ट्रांजैक्शन होता तो वो इंटर सेक्टरल फ्लो होता ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा नेक्स्ट uh, अब ये इंटरसेक्टरल फ्लो जो है वो दो तरह का होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो ठीक मनी फ्लो क्या है जहां यहां से भी मनी जा रही है और वहां से भी मनी आ रही है और रियल फ्लो क्या है कि यहां से और वहां दोनों तरफ से या तो गुड्स या फिर सर्विसेज जा रही है वेयर मनी इज इन्वॉल्व दैट इज मनी फ्लो वेयर नो मनी इज इन्वॉल्व दैट इज रियल फ्लो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं देखो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वह वो कैपिटल प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर सेक्टर को लेबर प्रोवाइड कराता है लैंड प्रोवाइड कराता है एंड बाकी एंटरप्राइज प्रोवाइड कराता है और प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कराता है तो ये रियल फ्लो है ना यहाँ से मनी गई ना वहाँ से मनी आई या यहाँ से सर्विसेज गई हैं यहाँ से गुड्स या सर्विसेज आई हैं ठीक और मनी फ्लो की बात करें तो जो यहाँ पर कैपिटल लैंड लेबर प्रोवाइड कराई थी उसका पेमेंट भी तो करेंगे कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देंगे लेबर के बदले वेजेस या सैलरी देंगे और लैंड के बदले रेंट देंगे और जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की गई हैं उसके बदले फिर उसका पेमेंट होगा पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो ये जो है ये पेमेंट हो रहे हैं ये आपका मनी फ्लो है हेरेटिज ठीक है आगे बढ़ते हैं ओके नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर फ्लो का मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पर आकर ख़त्म हो रहे हैं ठीक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेसेस हैं प्रोडक्शन इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर कि भाई पहले हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाएंगे फिर उसको सेल करेंगे और इनकम जनरेट करेंगे फिर जो हमारे पास पैसा आएगा उसको हम वापस अपने बिजनेस में ही लगा देंगे एंड फिर प्रोडक्शन करेंगे ठीक अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ना दो चीज़ें होती हैं एक आपका लीकेज और एक इंजेक्शन ठीक है अब ये जो खर्चा हो रहा है अगर हम सौ रुपये कमा रहे हैं जरूरी थोड़ी कि सौ रुपये ही वापस इन्वेस्ट कर देंगे हो सकता है हम नब्बे करें ठीक तो ये दस रुपये है ये इकोनॉमी से बाहर हो जा रहा है इस सर्कुलर फ्लो से बाहर हो जा रहा है दैट इज़ लीकेज ऑफ इनकम ठीक है और कुछ टाइम के बाद जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ हम इन्वेस्ट कर ले रहे हैं दैट इज़ इंजेक्शन मतलब जो था उसका कम हो जाना इज लीकेज और जो नहीं है उसका सर्कुलर में आ जा सर्कुलेशन में आ जाना दैट इज इंजेक्शन ऑफ इनकम या इंजेक्शन ऑफ मनी या इंजेक्शन ऑफ मनी चलो कोई बात नहीं ठीक है ओके एग्रीगेट इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स नेक्स्ट टॉपिक है आई होप ऊपर का समझ में आ गया होगा दोबारा से देख लेते हैं माइक्रो इकनॉमिक्स वो ब्रांच है जहाँ पर पूरी इकनॉमी का स्टडी की जाती है ये माइक्रो इकनॉमिक्स से अलग है इसमें हम एग्रीगेट लेवल पर बात करते हैं ठीक गुड्स जिसमें कंजम्पशन गुड्स कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स थे कंजम्पशन गुड्स चार तरह के ड्यूरेबल सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल एंड नॉन मटेरियल ठीक कोई भी एक चीज़ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स हो सकती है कंजम्पन और इन्वेस्टमेंट दोनों फाइनल गुड्स के ऊपर ही किया जाता है ठीक और जो हाउस होल्ड कर रहा है उसे कंजम्पन एक्सपेंडिचर कहते हैं जो प्रोड्यूसर कर रहा है उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल और बाकी चीजें भी आती हैं ठीक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट कंजम्पशन क्या होगा एक्सपेंसिज बाय हाउस होल्ड एक्सपेंसिज बाय गवर्नमेंट एंड एक्सपेंसिज बाय एन पी ओज इन्वेस्टमेंट क्या है चेंज इन कैपिटल ये दो तरह का होता है फिक्स और इन्वेंट्री फिक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए जा रहा है इन्वेंट्री जो शॉर्ट टर्म के लिए है क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपने खुद से देखना है ओके नेक्स्ट ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट बन जाता है स्टॉक और फ्लो जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देख रहे हैं तो स्टॉक जब हम ड्यूरेशन टाइम पर देख रहे हैं तो फ्लो चार सेक्टर होते हैं हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट और एक्सटर्नल रियल फ्लो मनी फ्लो जहाँ मनी इन्वॉल्व है दोनों तरफ से वहाँ मनी फ्लो और जहाँ दोनों तरफ ही मनी नहीं है दैट इज रियल फ्लो ओके दीज वॉज एग्जाम्पल्स ऑफ दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थ्री फेजेज होते हैं इसके प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंसिस या फिर इन्वेस्टमेंट इसमें लीकेज और इंडक्शन होता है लीकेज जब मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जा रही है और इंजेक्शन तब होता है जब एक्सेस मनी सर्कुलेशन में आ जा रही है ओके नेक्स्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है इसको हम डायरेक्टली चार्ट से देखेंगे बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है जहां पर भी डोमेस्टिक आ गया डोमेस्टिक ठीक है उसका मतलब होता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री और जहाँ पर नेशनल आ गया नेशनल उसका मतलब है सिटीज़न ऑफ कंट्री सॉरी सिटीजन रेजिडेंट रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ठीक जहाँ पर ग्रॉस आ गया उसमें से हमने माइनस करना है डैप और वो आ जाएगा हमारा नेट चाहे वो ग्रॉस डोमेस्टिक हो ग्रॉस नेशनल हो कुछ भी हो तो जो डोमेस्टिक है वो बाउंड्रीज कंट्री की और जहाँ नेशनल है वह कंट्री के रेजिडेंट ग्रॉस में से डेप माइनस करके नेट ठीक है अब अब बात करते हैं देखो जीडीपी अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है बेसिकली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की गई है ठीक है अगर वो हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और अगर मार्केट प्राइस पर ले रहे हैं तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहलाता है ठीक है गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का सम जो कि एक एक कंट्री के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में या एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस की जा रही हैं वो हमारा जीडीपी है अगर ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम कॉस्ट ले रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट और अगर मार्केट वैल्यू ले रहे हैं तो जी डी एट मार्केट प्राइस ठीक जब हम जी में से डेप माइनस कर देंगे तो हमारा एन आ जाएगा अब जी एट मार्केट प्राइस में से माइनस किया डेप तो एन एट मार्केट प्राइस और जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट में से माइनस किया डेप तो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है तो आई होप जी डी पी एट मार्केट प्राइस जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट जी डी एन डी पी एट मार्केट प्राइस एंड एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो गया होगा ठीक है अब हम नेशनल प्रोडक्ट पर आते हैं यह आया हमारा जी एन पी जी एन पी जी एन पी बेसिकली जो रेजिडेंट्स हैं जो कंट्री के रेजिडेंट्स हैं रेजिडेंट्स कौन होते हैं जो पिछले पूरे साल मतलब एक साल हमारी कंट्री में ही रहे हैं मतलब छः महीने से ज़्यादा हमारी कंट्री में रहे हैं वो रेजिडेंट्स कहलाते हैं तो रेजिडेंट्स ने जो इनकम कमाई है फैक्टर इनकम अर्नड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड जी ठीक है और अब हम बात करें कि भाई जी क्या है जो हम अपने देश में कमा रहे हैं और रेजिडेंट्स जो हैं या तो देश में से कमा रहे होंगे या तो बाहर से कमा रहे होंगे एक्सटर्नल सेक्टर से कमा रहे होंगे तो जो हम यहाँ से कमा रहे हैं वो ही ये इनकम है तो जब हम जीडीपी में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा व्हाट आई सेड कि जब हम जीडीपी में ऐड कर देंगे फैक्टर कॉस्ट अर्न फ्रॉम अब्रॉड तो हमारा जी एन पी आ जाएगा अब अगर मार्केट प्राइस में ऐड कर रहे हैं तो जी एन पी एट मार्केट प्राइस आएगा और फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं तो जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा आई होप क्लियर होगा आगे बात करते हैं अब जब हम एन डी पी में ऐड करेंगे तो हमारा एन एन पी आ जाएगा और एक चीज़ ध्यान रखना हम प्रोडक्ट को इनकम भी लिख सकते हैं ठीक तो अगर एन एन पी को हम रिप्लेस करें तो ये बन जाता है हमारा नेशनल नेट इनकम या नेट नेशनल इनकम सॉरी उल्टा लिख दिया नेट नेशनल इनकम तो एन एन पी ही जो है वो हमारा नेशनल इनकम होता है ठीक और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो एन एन पी निकालने के लिए ही चाहिए तो वट वी डिस्कस्ड देखो जी डी पी और एन एन पी ठीक है ग्रॉस से नेशनल बनाने के लिए क्या करना है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है ठीक है डोमेस्टिक से नेशनल सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक ये हमने डोमेस्टिक से नेशनल करने में करना है वापस से इसको देखते हैं ग्रॉस से नेट करने में हमको क्या करना है माइनस करनी है डैप ग्रॉस से नेशनल करने में माइनस करनी है डैप और डोमेस्टिक से नेशन ग्रॉस से नेट करने में माइनस करनी है डेप और डोमेस्टिक से नेशनल करने में ऐड करना है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक है और अगर मार्केट प्राइस है तो उसको फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए क्या करना है माइनस करने हैं इंडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड करनी है सब्सिडीज आई एम रिपीटिंग दीज थिंग्स कि देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ठीक है ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है ग्रॉस से नेट बनाने के लिए माइनस करनी है डेप और ग्रॉस से नेट बनाने के लिए प्लस करनी है डेप सॉरी नेट से ग्रॉस बनाने के लिए प्लस करनी है डेप डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए माइनस करनी है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए माइनस करने हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस करनी है सब्सिडीज ठीक है आई होप क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं हम कैलकुलेट अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास तीन मेथड्स है वैल्यू एडिशन या प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं इनकम मेथड को डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहते हैं एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं और इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं ठीक है चलो इसको एक करके देख लेते हैं सबसे पहले वैल्यू एडिशन मेथड वैल्यू एडिशन में प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडिशन सेकेंडरी सेक्टर का तेरसी सेक्टर का तीनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसमें से माइनस करेंगे डेप तो आ जाएगा एनडीपी ठीक है फिर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज चाहे आप अलग अलग शो कर लो चाहे ऐसे कर लो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए था ये ठीक फिर हम इसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमारा एन एन पी एड फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा और यही हमारा नेशनल इनकम है रिपीटिंग तीनों सेक्टर्स के द्वारा जो हमने प्रोड्यूस किया वो डी डी पी एड मार्केट प्राइस आया इसको नेट बनाने के लिए डेप माइनस किया इसको फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए और इसको डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस किया उस हाँ माइ प्लस किया प्लस ठीक है चलो नेक्स्ट इनकम मेथड एम्प्लॉइज ने कितना कमाया ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है मिक्स इनकम मतलब सबके द्वारा कमाई गई इनकम को हमने ऐड कर दिया तो एनडीपीएड फैक्टर कॉस्ट आया क्योंकि हम फैक्टर्स की इनकम ऐड कर रहे हैं और उसमें फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया तो हमारा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितने भी जितने सेक्टर्स हमने देखे थे ना उन तो सबका जो एक्सपेंडिचर है वो ठीक ग्रोथ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना कैपिटल फॉर्म हुआ है मतलब चेंज इन कैपिटल कितना हुआ है और नेट एक्सपोर्ट्स तीनों को ऐड कर देंगे तो जी डी पी मार्केट प्राइस आएगा इसको एनडीपी बनाने के लिए डेब माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेज माइनस करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा और इनकम फ्रॉम अब्रॉड एड करेंगे तो एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा तो ये तीनों मेथड का सीक्वेंस आपने याद रखना है वैल्यू एडिशन में क्या था तीनों का वैल्यू एडिशन फिर जी डी पी एट मार्केट प्राइस आया अब आपको जी डी पी एट मार्केट प्राइस से एन एन पी एट फैक्टर प्राइस पहुँचना है तो डैप डायरेक्ट टैक्सेस और इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका ट्रीटमेंट करना है सेम वे दट आपके पास सबसे पहले एन डी पी निकल कर आएगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर डेप तो होगी नहीं इसलिए

कॉमन यूनिट नहीं थी फ्यूचर पेमेंट्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी स्टोरेज नहीं कर पा रहे थे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही इन प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए ही मनी आई ठीक है अब मनी करती क्या है मनी के दो तरह के फंक्शंस हैं मेन फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस मेन फंक्शंस में एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ़ वैल्यू मी ठीक है और सेकेंडरी में है सेविंग्स करना ट्रांसफर करने में हेल्प करना फ्यूचर पेमेंट्स में हेल्प करना कॉमन यूनिट लेकर आना तो जो प्रॉब्लम्स ही वही इसके फंक्शंस हैं ठीक है फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें तो फैट मनी होती है फैट मनी फिड्यूशरी मनी फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी <laughs> फेट फेट मनी क्या होती है जो कंपलसरी है किसी भी इंसान को एक्सेप्ट करना जो गवर्नमेंट इशू करती है और इसमें सारे नोट्स और कॉइन्स आते हैं फिड्यूशरी मनी कौन सी है जो उसकी सामने वाले की मर्ज़ी है कि वो एक्सेप्ट करे ना करे जैसे चेक हो गया क्रेडिट कार्ड हो गया एक्सेट्रा ठीक फुल बॉडीड मनी जिसकी इंटरनल वैल्यू बराबर है एक्सटर्नल वैल्यू से ये पहले चला करती थी अब नहीं चलते थे सोने के सिक्के हुआ करते थे जितने रुपए का उस पर सिक्का है वो उतना ही वैल्यू का सोना अंदर लगा हुआ है तो वो फुल बॉडीड मनी और आज के टाइम में क्रेडिट मनी चलती है जिसकी इंटरनल वैल्यू बहुत कम होती है एक्सटर्नल वैल्यू से अगर बाहर दस रुपये लेके हैं तो अंदर दस रुपये का जो मटीरियल है वो नहीं होगा ठीक अगर इसके साथ ही आप मनी मार्केट की भी देख लो मनी मार्केट मनी मार्केट बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जो कि शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमें अरेंज करा कर देता है ठीक है इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो लेस देन वन ईयर के लिए यूज किए जाते हैं अब इनके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए विल मेक अ सेपरेट वीडियो ठीक है बस यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन था सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के लिए दो चार मिनट की अलग से वीडियो बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हम फ्लो में चल रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी कि भाई एक टाइम पर इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाइड है ये बेसिकली स्टॉक कंसेप्ट है किसके द्वारा मेज़र किया जाता है आर के द्वारा मेज़र किया जाता है इसमें आपकी एम वन एम टू और एम आ जाते हैं एम क्या है पब्लिक के पास जो मनी है प्लस बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट है और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जब हम इसमें एम वन में हम ऐड कर देते हैं सेविंग्स सेविंग्स अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस तो हमारा एम टू बन जाता है और इसमें हम ऐड कर देते हैं टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स तो हमारा एम थ्री बन जाता है तो वट आई सेट कि अगर हम एम वन में ऐड कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स तो वो एम टू बन जा रहा है और बैंक्स की टाइम डिपॉजिट ऐड कर रहे हैं क्योंकि या तो सिर्फ डिमांड था टाइम डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो एम थ्री बन जाता है और हम जब एम थ्री में सारी डिपॉज़िट ऐड कर ले रहे हैं पोस्ट ऑफिस की तो वो एम फोर बन जाता है ठीक है जो एम वन एम टू है उसको नैरो मनी कहा जाता है और एम थ्री एम फोर को ब्रॉड मनी कहा जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये आपके कम नहीं है उसको हम दोबारा बाद में देखेंगे आर को एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तो एग्रीगेट डिमांड क्या है डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन होल इकोनॉमी ठीक है ये एक पीरियड के लिए मेजर की जाती है जो बेसिकली एक ईयर का होता है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है वो इस तरह से जाता है आपका इस तरह से ये कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता ये आर्टिफिशियल ज़ीरो से शुरू होता है क्योंकि जो डिमांड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती क्योंकि बेसिक कंजम्पशंस तो उसमें रहते ही रहते हैं ठीक तो एग्रीगेट डिमांड वो डिमांड है जो गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी इकोनॉमी में की जा रही है ठीक है ये एक फ्लो कंसेप्ट है और एक साल के लिए मेजर किया जाता है सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे ये पार्ट वन था नेक्स्ट पार्ट में हम बचा हुआ सब कवर कर लेंगे आई होप समझ में आया होगा लेट मी नो योर फीडबैक एज वेल इन कमेंट बॉक्स बाय है नाइस डे ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन